और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है क्योंकि बनिहाल के पास जमीन खिसक गई है। भारी बारिश लगातार वहां पर हो रही है जिसकी वजह से जमीन खिसकने की घटना हुई है और इस वक्त प्रशासन रास्ता साफ करने में जुटा हुआ है जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। बनिहाल के पास जमीन खिसकी है जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा है। राजस्थान के धौलपुर में बारिश से आसमान से आफत बनकर बरसी जिससे गली चौक चौराहे से लेकर सड़क तक तालाब में तब्दील हो गई और लोगों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाइक पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आई तो दुकान के अंदर तक पानी घुस गया। चंद घंटों की बारिश में राजस्थान का धौलपुर तालाब में तब्दील हो गया। यूं तो गर्मी के लिहाज से राजस्थान को सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत थी लेकिन जैसे ही आसमान से बारिश की बूंदें गिरी मौसम खुशनुमा हो गया और गर्मी से राहत मिली। लेकिन 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा शहर तालाब बन गया था। बारिश की वजह से पानी बढ़ता देख कई दुकानदारों ने अपनी दुकान को बंद कर दिया। वहीं रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संजय राउत ईडी के सामने पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिरे संजय राउत ने संसद सत्र में हिस्सा लेने की दलील दी और ईडी से 7 अगस्त तक पेशी से छूट की मांग की लेकिन ईडी ने उन्हें 27 जुलाई को पेश होने को कहा। वहीं आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शिवसेना के 2 धड़ों में बंटने के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच पार्टी को मजबूत करने के इरादे से उद्धव ठाकरे गुट ने मुंबई में शिव संवाद नाम से यात्रा निकालने का ऐलान किया जिसे आदित्य ठाकरे सुबह हरी झंडी दिखाएंगे। लोगों को फर्जी तरीके से विदेश भेजने के मामले में जेल में बंद गायक दलेर मेहंदी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की लेकिन अदालत ने उन्हें तुरंत राहत नहीं दी। हालांकि पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 15 सितंबर तक जवाब मांगा गया। निशानेबाजी विश्व कप के 25 मीटर रैपिड फायर टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका है जिसके बाद प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है। पुलिस वाले अलग अलग घाटों के साथ नदी किनारे पहुंचे और लोगों को अलर्ट किया। सूचित किया जाता है कि मौसम विभाग द्वारा बरसात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई तो वहीं अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया जिसके बाद बागेश्वर में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सरयू नदी के पास मुहिम चलाई और हाथ में माइक लेकर लोगों को जानकारी दी। अपील करते हुए सूचित किया कि बारिश से सरयू नदी का पानी बढ़ सकता है, ऐसे में नदी या नाले से दूर रहने की अपील की गई। चीन की 3 स्मार्टफोन कंपनियों पर भारत सरकार ने सख्ती की और इन कंपनियों पर टैक्स चोरी और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। पिछले 2 साल में भारत ने चीन की कई कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जिससे चीन को झटका लगा या यूं कहें कि चीन को उसकी चालाकी का फल भुगतना पड़ रहा है। कोरोना के बाद भारत ने जिस तरह से चीन की कंपनियों पर सख्ती की उससे चीन बौखलाया हुआ और अब तो भारत ने उसकी 3 बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है जिनमें पहला नंबर है शाओमी का जिस पर पैसों के अवैध लेन देन का आरोप लगा, जिसके बाद नंबर आया वीवो का जिस पर ईडी ने टैक्स चोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद कंपनी के 48 स्टोर में जांच की गई और आखिर में कार्रवाई हुई ओप्पो पर। चीन की इस तीसरी कंपनी पर भी टैक्स चुराने का आरोप है। इन 3 कंपनियों से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं यानी भारत के लोगों से अच्छी खासी कमाई करने वाली चीन की ये कंपनियां भारत से ही दगा कर रही जिस पर सरकार ने कड़ा कदम उठाया तो चीन छटपटाने लगा और उसकी तरफ से इस मामले पर इसी महीने एक बयान जारी किया गया। भारत में चीन के दूतावास ने बयान दिया कि इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ेगा और भारत में चीन के निवेश पर भी असर पड़ सकता है। मतलब भारत ने जैसे ही चीन की स्मार्टफोन कंपनियों की चोरी पकड़ी वो बौखला गया या यूं कहें कि चीन ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि भारत ने पिछले 2 साल में चीन के 200 ऐप बैन कर दिए हैं जिनमें मशहूर टिकटॉक ऐप भी शामिल है, जिसके बाद सरकार ने भारत के स्मार्टफोन बाजार के 60% हिस्से पर कब्जा करने वाली चीन की कंपनियों पर कार्रवाई की। जानकार इस बात को सही मान रहे हैं, उनका मानना है कि भारत से ज्यादा चीन को भारत के बाजार की जरूरत है। शायद यही वजह है कि चीन के स्मार्टफोन लगातार भारत भेजे जा रहे हैं और इनमें कोई कमी नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनसे भारत जैसा बड़ा बाजार छिन न जाए। वैसे भारत की कंपनियों ने चीन की कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी कर ली है और सस्ते सुंदर और टिकाऊ स्मार्टफोन बनाने पर काम कर रही है।
यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक विमान आसमान से जमीन पर गिरता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के सुखोई SU-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया जो उसके सैनिकों पर लगातार हमले कर रहा था। सामने आए वीडियो में आसमान से एक विमान जमीन पर गिरता दिखाई दिया। जैसे ही विमान नीचे गिरा जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन का आरोप है कि यह रूस का सुखोई SU-35 लड़ाकू विमान था जो खेरसोन के नोवा कखोवका में उसके सैनिकों पर हमले कर रहा था और इसीलिए उसकी फौज ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर उसे ढेर कर दिया। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिक कई जगहों पर रूस की फौज से बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं। आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के सुमय शहर पर लगातार मिसाइलें दाग रही है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के सैनिक पीछे नहीं हट रहे हैं और पुतिन की फौज के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनके सैनिक रूस के कब्जे वाले कई इलाकों को छुड़ाकर वापस अपने कब्जे में ले रहे हैं। आरोप है कि रूस की सेना अब आम लोगों को निशाने पर लेकर उनमें दहशत पैदा करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बताया गया कि सुमय शहर में रूस ने बीते सोमवार को 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी जिनमें कई लोग घायल हुए। यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा है कि युद्ध शुरू होने से अब तक रूसी फौज ने 3000 से ज्यादा मिसाइलें उस पर दागी हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला में बादल फटने की घटना हुई जिसके बाद पानी का तेज बहाव सड़कों से होता हुआ गुजरा और पानी की तेज रफ्तार को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मानो वो सब कुछ लील जाना चाहती हो। जिस रास्ते से होकर पानी गुजरा वो नदी नाले का रास्ता नहीं था बल्कि वो सड़क थी जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग करते थे। लेकिन जैसे ही बादल फटा तो पानी सड़कों के रास्ते आगे बढ़ता चला गया। पानी की आवाज सुनकर ही सिरहन पैदा हो रही थी तो वहीं आसपास के लोग दहशत में थे। बारामूला के मुंद्राजी राफियाबाद इलाके में हुई बादल फटने की घटना के बाद कोई घटना नहीं हुई लेकिन कई सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रधानमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से ऑनलाइन बात की और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एक यात्री के पास से 20 लाख से ज्यादा के हथियार बरामद किए गए जिनमें एयर गन भी शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगाने के अभियान का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने 15 जुलाई से 75 दिनों तक मुफ्त प्रिकॉशन डोज लगाने के अभियान की शुरुआत की थी। रांची से भी हरियाणा के नूह की तरह पुलिस अधिकारी को रौंदने का मामला सामने आया। वहां गो तस्करी के शक में एक गाड़ी को महिला एसआई ने रोकने की कोशिश की थी। जिन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि कुछ गो तस्कर एक पिकअप वैन के जरिए तस्करी को अंजाम देने की फिराक में, इसके लिए वो एक सुनसान रास्ते का इस्तेमाल करने वाले थे। ये खबर लगते ही झारखंड पुलिस में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो वहां पहुंच गई और जैसे ही उन्हें एक पिकअप वैन पर शक हुआ उन्होंने उसे रोकने का इशारा किया लेकिन